आज अस्थमा पर विशेष कार्यक्रम है। नमस्ते दर्शकों, सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन सुबह 7 बजे चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आपको अलग अलग रोगों से संबंधित जो यौगिक उपचार होते हैं, जो दिनचर्या होती है, जो डाइट होती है, उन सबको हम कैसे योग और नेचुरोपैथी आदि से वो रोग ठीक हो सकते हैं, उन सबको हम आपके सामने रोज रखते हैं। आज हमारे योगाचार्य से हम पूछेंगे कि अस्थमा के बारे में योग में क्या, अस्थमा की बीमारी जो दमा जिसको हम सांस को चढ़ना कहते हैं, इसके बारे में योग में क्या उपाय हैं, क्या अस्थमा ठीक हो सकता है, क्या अस्थमा के बारे में कुछ जानकारी हमारी बढ़ जाए और उसके बाद उसको ठीक करने की जो यौगिक क्रियाएं हैं और क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा हमारा अस्थमा के जितने भी रोगी हैं कैसा उनको पथ्य अपथ्य का पालन करना है, ये सब चीजें आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानेंगे। आज अस्थमा पर विशेष कार्यक्रम है तो हम देखते हैं, आइए। तो योगाचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं आज आपसे अस्थमा के बारे में, हमारे कई दर्शकों के सवाल आए थे अस्थमा को लेकर के, तो क्या आप आज हमारे दर्शकों को अस्थमा के बारे में बताएंगे? धन्यवाद आपका, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम रखा है। आज हम अस्थमा के बारे में जानेंगे। अस्थमा वाकई में एक बहुत सारे लोग ऐसे भारत में हैं जिन लोगों को बहुत सालों से अस्थमा की समस्या है। अस्थमा को हिंदी भाषा में दमा कहते हैं। दमा शब्द दम से संबंधित है, दम का फूलना, या इसको कहते हैं दम घुटना। ऐसे अलग अलग अगर साधारण से शब्दों में कहें तो दम घुटना या श्वास लेने में कठिनाई होना, तो दमा के पेशेंट्स को पूरी तरह से इस कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि हम इसमें पूरा बिल्कुल इजी, बहुत आसान उपाय बता रहे हैं जो आप घर में ही कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की और अलग से कोई इलाज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हमारे इस कार्यक्रम में बताई हुई सारी बातों को आपने ठीक ठीक फॉलो किया। तो दमा के बारे में जानते हैं कि ये सांस की नलियां होती है ना, नलियां, इन समस्त श्वास की नलियों में अगर सिकुड़न आ जाती है, सिकुड़ जाती है, मुख्य रूप से एक होती है, बाकी तो श्वास की नलियां और अंदर होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो सब धीरे धीरे जैसे सिकुड़ती जाती हैं, सिकुड़न आती है, तो उसमें से श्वास लेने में समस्या आने लगती है। और यह कभी कभी दौरे के रूप में भी रोगी को होती है, जैसे दौरा पड़ गया, सांस आ ही नहीं रही, तो दौरा पड़ता है अस्थमा का और बड़ा भयानक पड़ता है, यूं लगता है देख के कि व्यक्ति मर जाएगा और कई बार हो भी जाता है अगर समय पर ध्यान न दिया जाए। दमा के जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कठिनाई करती है, कई कई सालों से लोग झेल रहे हैं। अब मैं कहता हूं हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको बहुत समय तक झेलना नहीं पड़ेगा, महीना, 2 महीना, अधिकतम 3 महीने तक आपका यह अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ये जब नलियां सिकुड़ जाती हैं सांस की, तो इनका जो रास्ता है थोड़ा संकरा हो जाता है, संकरा हो जाता है तो वहां से जब गति से श्वास निकलता है तो जैसे सीटी की तरह से आवाज आती है, जैसे कोई सीटी बज रही है, ऐसा होता ही है। अस्थमा का दो वैसे तो मुख्य कारण है, वैसे तो बहुत सारे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से सामान्यतः दो कारण होते हैं। एक तो होता है तनाव का बनना, स्ट्रेस डेवलप होना, और दूसरा होता है भोजन में गड़बड़ी करना, खान पान में गलतियां करना। ये दो मुख्य रूप से कारण होते हैं, स्ट्रेस एंड बैड हैबिट्स ऑफ फूड। तो ये दो कारणों के इसके परिणाम स्वरूप ही दमा उत्पन्न होता है। यदि अस्थमा पर ध्यान न दिया जाए तो इससे कई सारे और भी रोग आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस बड़े खतरनाक हैं। अगर इस रोग को आपने थोड़े दिन रोक के रखा, थोड़े सालों तक रोक के रखा नहीं, इसका प्रॉपर नेचर से आप इसका इलाज करें, तो नेचुरल ट्रीटमेंट क्या होता है अस्थमा का, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दर्शकों, अस्थमा दो प्रकार का, वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, अगर धूल मिट्टी के संपर्क में आने से या धुएं के संपर्क में आने से हमारे को एलर्जी हो रही है तो उसके कारण से यदि श्वास में समस्या आ रही है,
तो उसको एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। दूसरा, यदि इसके कारण से नहीं आ रही है तो दूसरा कारण हो सकता है लंबे समय तक अगर खांसी जुकाम है या सर्दी लगने का प्रभाव है या तनाव है वो तब भी अस्थमा उभरता है और उसको नॉन एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। जिनको कफ ज्यादा बनता है और खांसी के साथ कफ निकलता है तो उसको कफ वेरिएंट अस्थमा कहते हैं। इसी प्रकार अगर आपका वर्क प्लेस, अगर जहां पर आप काम करते हैं ऑफिस आदि में, दुकान आदि पर, अगर उन लोगों को भी वहां पर अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा तो वह भी एक कारण अस्थमा के होने का होता है। अनुकूल वातावरण का मतलब यहां पर प्रतिकूल वातावरण है, सब तरह से है, किसी का साथ मतलब अलग अलग लोग साथ में काम करते हैं तो एक वो होता है, दूसरा प्रदूषण होता है। अगर वहां पर प्रदूषण है, वहां पर कई सारे लोगों को एसी को फेस करना पड़ता है जिनकी अच्छी मतलब स्वभाव में नहीं है एसी को फेस करना, कई बार धूल मिट्टी आदि प्रदूषण है, कई बार दुर्गंध है, कार्यस्थल के बहुत सारे ऐसे प्रतिकूलताएं होती है जिस कारण से भी यह अस्थमा रोग हमारे शरीर में आ जाता है। अब हम देखते हैं इस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला तो अभी हमने बताया था सीटी की जैसे आवाज आना, जैसे श्वास नली सिकुड़ जाती है तो उसमें से जब गति पूर्वक स्पीड से या अच्छे इंटेंसिटी के साथ जब भी सामान्य श्वास जाता है तो फिर उसमें से सीटी की सांस भरने और छोड़ने की आवाज आती है, जैसे कोई सीटी बजा रहा है तो सीटी नुमा आवाज आती है, पहला लक्षण। दूसरा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जिनको भी अस्थमा होता है उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, हर बार थोड़े थोड़े समय में चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे चेहरे पर सूजन आ जाती है यदि हमें अस्थमा है तो, स्ट्रेस आता है, छींकें बहुत ज्यादा आती है, सांस फूलता है और सांस लेने में कठिनाई आने लगती है, गाढ़ा गाढ़ा कफ हमारे नाक से हमारे मुंह से निकलने लगता है और छाती भी कई बार फूल जाती है, यह इसके लक्षण होते हैं। आइए अब हम इसके कारणों पर विचार करते हैं। तो अस्थमा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है साइकोलॉजिकल रीजन, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण कितने सारे हो सकते हैं आइए हम देखते हैं। पहला जो कारण है वो हमारा है असुरक्षा का अनुभव। हमें इनसिक्योरिटी जब भी फील होती है, चाहे किसी भी चीज से, लाइफ में जब इनसिक्योरिटी का आपके अंदर भाव है तो आपको अस्थमा होता है। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल रीजन है, मनोवैज्ञानिक कारण है। दूसरा है अकेलापन जिस व्यक्ति को होता है उसको भी अस्थमा होने की संभावना होती है, अकेलेपन का भाव। उसके अलावा इच्छाओं का दमन होना, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको आपने दबा दिया है तब भी आपको अस्थमा हो सकता है, या जिनको हुआ है वो अपना अवलोकन करके देख लेना। इस कारण से भी मनोवैज्ञानिक कारण तीन हमने बताए, एक असुरक्षा का महसूस होना, एक अकेलापन और तीसरा है इच्छाओं का दमन। ये तीन कारण मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक कारणों में आते हैं। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं लेकिन दूसरा एक प्रकार का हम कारण देखते हैं जेनेटिक रीजन, आनुवांशिक कारण। यदि ये रोग माता पिता को कभी रहा हो या किसी और बड़े बुजुर्ग को रहा हो आपके तो भी वह संतान में आ जाता है, उसकी संभावना लगभग बनी रहती है, जरूरी नहीं है आए लेकिन संभावना पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। एक कारण होता है एलर्जी का, एलर्जी चाहे आपको धुएं से हो, डीजल से हो, पेट्रोल से हो या अन्य किसी दूसरी चीज से भी एलर्जी हो जाती है, वह भी इसका एक बड़ा कारण होता है। चौथा एक कारण होता है भोजन का ठीक ना होना, यदि मैदा युक्त कोई ज्यादा से ज्यादा मैदा खाता है तो मैं आपका ये कार्यक्रम में बताता ही रहता हूं कि कभी भी हम रोटी बनाए तो चोकर से युक्त बनाए, बेकरी प्रोडक्ट ना के बराबर खाए, कभी कभी खाए अलग बात है। उसके अलावा बिस्किट्स, उसके अलावा जितने भी मैदे के पदार्थ बने हुए हैं वो हमारे पेट को तो खराब करते हैं साथ में हमें कफ का रोगी भी बना देते हैं, कफ विकारों से भी युक्त कर देते हैं। तो इसीलिए मुख्य रूप से आपको मैदे से युक्त चीजें ज्यादा नहीं खानी, ज्यादा चिकनी चीजें नहीं खानी और गरिष्ठ भोजन से भी यह पैदा हो जाता है। गरिष्ठ मतलब जो पचने में भारी होता है, जैसे बहुत मसाले वाला, बहुत तेलों में तले हुए और बहुत सारा उसमें गरिष्ठता जिसमें होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पचने में ज्यादा समय लगता है, वह भी कारण होता है अस्थमा होने का। जिन स्थानों पर ठंड ज्यादा पड़ती है, ज्यादा ठंडा मौसम है, उन स्थानों पर रहने वाले लोगों को भी अस्थमा होने की संभावना होती है, हुआ है। उम्र बढ़ने के साथ भी कमजोरी अंदर से आती है क्योंकि जीवन भर व्यायाम नहीं किया तो फिर अस्थमा होने की संभावना बनती है। इसीलिए एक
आयु बढ़ना भी इसका एक बड़ा कारण है। और प्रदूषण वाले स्थानों पर जो भी लोग रहते हैं, प्रदूषण में धूल मिट्टी हो, बदबू हो, दुर्गंध हो, नाले के पास रहना हो, और भी बहुत सारे कारण प्रदूषण जहां पर भी है वहां पर भी रहने से हो सकता है यह रोग उनके आसपास रहने वाले लोगों को हो जाए। उसके अतिरिक्त एक और कारण है धूम्रपान करना। जो लोग बीड़ी सिगरेट आदि का पीछा नहीं छोड़ते हैं तो वो इनके पीछे पड़ जाती है तो उनको अस्थमा हो जाता है। जो लोग शराब पीते हैं उनको भी हो सकता है, हो जाता है, ऐसा देखा गया है, उनको हो जाता है। तो ये सब हमारे इसके अस्थमा के कारण है। आइए अब इसके उपचारों पर हम चर्चा करते हैं। इसका एक उपचार तो है दिनचर्या को ठीक करना। तो दिनचर्या जिनकी ठीक नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, कुछ पता नहीं कब क्या करना है, तो उसको उनको भी हो जाता है। तो हमें सबसे पहला उपचार अपनाना है दिनचर्या। रात को आप तय करके रखिए सुबह मुझे क्या काम करना है, कितने बजे करना है, सब कुछ आपका सेट हो, माइंड सेट होगा तो आपको घबराहट नहीं होगी। जब घबराहट नहीं होगी तो श्वासों की नलियां बिल्कुल प्रॉपर चलती रहेंगी। अब उसके अलावा दूसरा एक उपाय है प्राणायाम, कुछ भोजन, इस तरह से हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो सूक्ष्म क्रियाएं जितनी भी हैं वो हमारी इसमें बहुत काम आएंगी, प्राणायाम भी काम आएगा। तो पहला हमें दिनचर्या अपने को ठीक करनी है। दिनचर्या में आप परिवर्तन लाएं, भोजन में थोड़ा बदलाव लाएं, विशेष प्रकार से आप योगाभ्यास को अपने जीवन में ऐड करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें लाइफ को, इससे पूरी तरह से इस अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। यदि धूम्रपान या मदिरापान या बियर आदि या वाइन आदि या मांसाहार यदि करते हैं तो थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। मेरे हिसाब से तो वो लेने की चीज है ही नहीं, वो मनुष्यों के सेवन करने योग्य थोड़ी है। फिर भी आप कर रहे हैं तो इस रोग को यदि ठीक करना है तो थोड़े दिन के लिए बंद करके देखिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, फिर ऐसी खराब चीजों का सेवन कभी नहीं करेंगे। आइए अब हम देखते हैं सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से हमारे अस्थमा की समस्या में काम करते हैं। देखिए पहला है हमारा सूक्ष्म व्यायाम, जो इसमें हम थोड़ा सा हाथों को इस तरह से खोल लेते हैं और सांस भरते हुए कैसे लाना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे साइड में खोलना है ऐसे। सांस बाहर, फिर से देखते हैं, ये 5 से 10 बार करिएगा। दूसरा अभ्यास हम देखते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, अंगूठा आप पीछे रख सकते हैं चाहे तो साथ में भी रख सकते हैं। सांस भरें, एक कोहनी ऊपर और एक कोहनी नीचे, दोनों को पीछे ले जाने का प्रयास करें, सांस अंदर भरें, सांस बाहर छोड़ें, मिलाएं। ऐसे लगातार करने से जो श्वास के गंभीर मरीज है दमे के, अस्थमा के, जिनको बहुत सालों से समस्या है, जिनको अभी भी बहुत समस्या हो रही है, वे भी इन क्रियाओं को धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, इसका विश्वास रखिए। ये योग अंतिम और पहला पड़ाव दोनों है, तो योग करके पूरी तरह से नेचुरली व्यक्ति ठीक हो सकता है। थोड़ा सा सहारा अगर आपको चाहिए तो आयुर्वेद की दवाइयों का जरूर सहारा ले लेना, बाकी अगर छोटी मोटी समस्याएं कुछ महीनों से है या साल दो साल से भी है तो योग करके ही पूरी तरह से सही हो सकते हैं। और यदि आपको ज्यादा समस्या है तो किसी आयुर्वेद के अच्छे से वैद्य के पास जाइए और उनसे दवाई भी लीजिए और साथ में योग को भी करिए,
निश्चित रूप से आप पूरी तरह से इस रोग को क्या कि कोई सी भी समस्या हो उस पूरी समस्या को अपने शरीर से सदा के लिए बाहर फेंक सकते हैं। पूरा विश्वास रखिए आपके भीतर बहुत शक्ति और बहुत सामर्थ्य है। इसीलिए कहा भी है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में हा तेरी मुट्ठियों में हा तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदिया के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। अरे इतना सामर्थ्यवान मनुष्य होकर घबरा कैसे रहा एक छोटे से रोग के आने से। हाँ आप ठीक हो सकते हैं, आपके भीतर ठीक होने की शक्ति है, सेल्फ हीलिंग पावर है, इसको योग से जगाइए, अपनी शक्ति को जगाइए। हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे, उनको भी याद कराई गई थी, स्मरण कराई गई थी। आप जानिए इस शक्ति को हमारे भीतर है, थोड़ा सा जीभ पर संयम रखिए, सुबह का आलस्य छोड़िए और योग करिए, आहार पर नियंत्रण करिए, निश्चित रूप से आप थोड़े दिन में बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये बात पूरा आपके आत्मविश्वास में, बुद्धि में और हृदय में फिक्स हो जानी चाहिए। इसी संकल्प को लेकर रोज करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर को आप प्राप्त कर पाएंगे। एक क्रिया और देखते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से लगाकर इन कोहनियों को ऐसे मिलाना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाना, श्वास बाहर धीरे धीरे आगे ले आना। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी करें, सांस भरते हुए सदा पीछे और सांस बाहर छोड़ते हुए सदा ही आगे। यह सूक्ष्म व्यायाम यदि आप तीन करेंगे, इन प्राणायामों की अनिश्वासों के साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से अस्थमा के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। आसनों की दृष्टि से हम यदि बात करें तो हमें अर्ध चक्रासन करना चाहिए, ताड़ासन का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए, कोणासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन और धनुरासन और अंत में शवासन के साथ में योग के इन आसनों को भी नियमित रूप से धीरे धीरे किसी योग शिक्षक से सीखें। अथवा अभी हम आपको बता देते हैं ये कैसे किए जाते हैं, आइए देखते हैं योगासन कैसे करते हैं। आसनों में पहला योगासन जो हम देखते हैं वह है ताड़ासन, उसमें पैरों को बिल्कुल पास में कर लेते हैं और श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को, श्वास भरते 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 हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते और ऊपर ले जाते समय ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे हाथों को और इंटरलॉक करके धीरे से ऐसे पलट देंगे हथेलियां आकाश में, धीरे धीरे और खींचे, खींचते जाए खींचते जाए खींचते जाए खींचते जाए खींचते जाए, जब पूरा शरीर खींच जाए अंत में अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठा लेंगे और सामने दृष्टि रखें, सामने अपने आप को रोक कर रखें और बिल्कुल देखते रहें सामने की ओर, लगातार शरीर ऊपर खींचता हुआ रहे, बिल्कुल पूरी तरह से एकाग्रता से सामने देखें। यह हमारा ताड़ासन का अभ्यास और फिर धीरे 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 वापस आ जाए। अब इस ताड़ासन के अभ्यास में आपको सांस नहीं रोकनी है, श्वास भर के ऊपर गए और ऊपर ले जाकर के श्वास को सामान्य रखा, आपको श्वास रोकनी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो बार तीन बार चार बार जितना भी समय हो उतना बार करें पहला। दूसरा अभ्यास हमारा जो है वो है अर्ध चक्रासन, दोनों पैर थोड़ी सी दूरी पर होंगे, ज्यादा दूरी पर नहीं होंगे, चार पांच उंगलियों की दूरी,
दोनों हाथों को इस प्रकार रखें, सांस को भर के धीरे धीरे कटी चक्रासन या अर्ध चक्रासन इसको कहते हैं, वैसे कटी चक्रासन नहीं अर्ध चक्रासन ज्यादा इसका ठीक नाम है। सांस भर के जाएं धीरे धीरे पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, थोड़ी देर रुकें, सांस सामान्य कर लीजिए और फिर धीरे 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 वापस आए। यह अर्ध चक्रासन का अभ्यास किस दर से भी देख लेते हैं, ऐसे ही है। यह अर्ध चक्रासन। तीसरा आसन है कोण आसन। कोण आसन के अभ्यास को हम देख रहे हैं, सांस पूरा बाहर और एक हाथ को दूसरे वाले पैर के बिल्कुल पकड़ लेंगे पूरी तरह से और ठोड़ी लगाने की कोशिश करेंगे यहां, सांस बाहर फिर श्वास भरते हुए वापस आए, फिर दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें। इसमें रुके थोड़ी देर फिर वापस आए, इस तरह से मैं बहुत कम रोक रहा हूं लेकिन आपको ज्यादा देर रुकने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास हमारा कोणासन का कहलाता है। कुछ लोग कोणासन को इस प्रकार से भी करते हैं, यह हमारा अभ्यास कोणासन का हुआ। तो हमने ताड़ासन देखा, अर्ध चक्रासन देखा, कोणासन देखा, ये तीन आसनों को नियमित रूप से करेंगे अस्थमा के जितने पेशेंट्स हैं। अब हम देखते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास करना। उष्ट्रासन में हम इस प्रकार से घुटनों के बल आ जाए और दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला, पैरों में भी थोड़ा फासला, सांस को भर के हमने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और सांस बाहर छोड़ करके एक हाथ इस प्रकार से एड़ी पर, दूसरा हाथ इस प्रकार से एड़ी, ऐसे थोड़ी देर आपको रुकना है। यह भुजंगासन, श्वास सामान्य कर लीजिए, आपको इस प्रकार से नहीं जाना, ध्यान रखना ये गलत है, आपको ऐसे सीधे रहना, कमर मुड़ी हुई लेकिन बाकी शरीर सीधा, और इसी प्रकार से वापस भी आए। किसी से यदि इस प्रकार का आसन नहीं होता हो तो आप चिंता ना करें, ऐसे पैरों को ऐसे लॉक कर लीजिए, दोनों हाथों को एक और दो ऐसे करके अर्धचंद्रासन करिए। पांच पांच दस दस सेकंड ही रोकना अस्थमा के जितने पेशेंट्स हैं उनको, बाकी जिनको अस्थमा नहीं है, जो अस्थमा को पहले से देख रहे हैं कि मुझको ऐसे ऐसे लक्षण है, तो पहले से ही आप करना शुरू करिए, अस्थमा होगा नहीं। दूसरा, आप इसको तीसरे आसन के रूप में भी इसको कर सकते हैं, कैसे, दोनों हाथों को ऐसे कमर के अलग, सांस भर के पीछे, सांस बाहर छोड़ के वापस पीछे नीचे। अगर आपको घुटनों में कुछ लगता है तो थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लीजिए अपने मैट को, तो ये जमीन आपको चुभेगी नहीं। ये तीन आसनों को हमने देखा, मुख्य रूप से उष्ट्रासन, दोनों पैरों को पीछे करके आप पेट के बल लेट जाए। भुजंग आसन को और देखते हैं। भुजंग आसन में दोनों हाथों पर कंधों के नीचे श्वास भर के, पैरों को पास में, श्वास भर के धीरे धीरे उठाएं, थोड़ी देर रोकें। यह भुजंग आसन हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, श्वास की नलियों को स्वस्थ सक्रिय करता है और श्वास बाहर छोड़ते वापस आए। और यदि आप रोक नहीं सकते तो चिंता की बात नहीं है, आप श्वास भर के ऊपर जाएं, ऊपर जाके श्वास सामान्य कर लें। फिर वापस आ जाए। इसी को दूसरे प्रकार से भी करते हैं, एक हथेली लगाई, दूसरी उसके ऊपर, श्वास भर के सीधा, कोहनियों को पूरा सीधा करें। पहले वाले में क्या था, यहां तक इसमें कोहनियां सीधी नहीं हो रही थी, थोड़ी सी बैंड थी, अब ऐसे सीधा करके मत करना इसको, ऐसा करना है। और इस वाले में, दूसरे वाले में आपको सीधी करनी, ऐसे ये हो गया। इसको हमने देख लिया। एक आसन और देखते हैं जिसका नाम है, पहला भी हमने बैठ करके कौन सा देखा, उष्ट्रासन, दूसरा कौन सा देखा, भुजंगासन, तीसरा देखते हैं धनुरासन। ऐसे टखनों को पकड़ लिया,
पैरों के टखनों सांस भर के, जिनको हर्निया हो उनको पहला उष्ट्रासन नहीं करना और यह धनुरासन भी नहीं करना। ये ध्यान रखने की बात है, हर्निया की प्रॉब्लम वालों को ये दो आसन बिल्कुल नहीं करना। सांस भर के धीरे धीरे उठाएं और उठाएं और उठाएं और उठाएं और उठाएं, रोक देंगे थोड़ी देर, इस प्रकार से धनुरासन का अभ्यास। आपकी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना, पहले 5 सेकंड रोकना, फिर 10 सेकंड, फिर 15-20 सेकंड, आधा आधा मिनट भी आप कर सकते हैं। अंत में आपको शव आसन का अभ्यास करना है, ऐसे पीठ के बल लेट जाए और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े। कुछ आसनों को हमने देखा, प्राणायाम हमने किए, गर्मी में पहले आप प्राणायाम कर लेंगे फिर आसन कर लीजिए, सर्दियों में पहले आसन कर लेंगे फिर प्राणायाम कर लेना। अनुलोम विलोम हमने सूर्य भेदी, उज्जाई, ऐसे प्राणायाम हमने देखे। आसनों की दृष्टि से हमने ताड़ासन, कटी चक्रासन नहीं अर्ध चक्रासन और कोणासन, इसके अलावा बैठ करके उष्ट्रासन, भुजंगासन लेट करके और अभी धनुरासन, इतनी क्रियाएं देखी। और उसके अलावा फिर लास्ट में इस शव आसन में हम हैं। शव आसन में पैरों में थोड़ा फासला होगा, शरीर ढीला छूटा हुआ होगा, हथेलियां कमर से थोड़ी दूरी पर आकाश की दिशा में, हाथ खुले हुए, गर्दन ढीली छोड़ देंगे, आंखें बंद, गहरा श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे, गहरे लंबे श्वास भरें छोड़ें भरें छोड़ें। ढुलना ढुलना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी। जितने भी आसनों में हमारे शरीर में जो थकान हुई है उस सारी थकान को हम दूर कर रहे हैं। बहुत गहरे श्वास भरें, बहुत गहरे प्रश्वास बाहर छोड़ें। शरीर पूरा ढीला छोड़ें, चिंता घबराहट सब कुछ असुरक्षा के भाव को दूर कर लें। किस बात का घबराना, परमात्मा हम सबका पिता है, हमारे साथ में है, घबरा किस बात को रहे। इस जीवन को जीने के लिए सब तो साधन परमात्मा ने दिए हैं। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। आ कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। रुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही,
जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। अब हमारी इस भजन को सुन के आपका शरीर का और मन का तनाव दूर हो गया होगा, काफी आराम मिला होगा हमारे मन को भी, हमारे शरीर को भी, क्योंकि शवासन में हमने शरीर ढीला छोड़ दिया। आपको ये भजन गाना नहीं है, आपको केवल सुनना था और सुना होगा आपने अच्छे प्रकार से। इन महत्वपूर्ण बातों पर आप विचार कीजिए, जीवन को किस दिशा में जी रहे हैं। रोग से मरने के लिए परमात्मा ने जन्म थोड़ी दिया है, हमें स्वस्थ रहकर इस संसार के सुखों का भोग, वीर भोग्या वसुंधर, इसके लिए परमात्मा ने जन्म दिया है। हम सब लोग स्वस्थ रहकर जीवन जी, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे घर्षण करें, अपनी आंखों पर रखें। 5-7 मिनट का आपको शवासन भी करवा दिया, धीरे धीरे आंखें खोल कर आप ऐसे करवट लेकर के उठ करके बैठे। तो आज के इस अस्थमा के विशेष योगासन प्राणायाम आदि में मैंने अभी आपको योगासनों की विशेष श्रृंखला बताई, आप इसको नियमित करके स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद, आइए चलते हैं स्टूडियो में। अब इन योगासनों के बाद हम चलते हैं प्राणायामों पर। प्राणायामों में सबसे पहला अभ्यास हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। तो वह कौन सा होता है? अनुलोम विलोम में दोनों हाथों को अलग अलग स्थितियों में बनाते हैं। पहला ध्यान मुद्रा में बनाकर अपने घुटने पर रख सकते हैं, दूसरे हाथ से यह प्रणव मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों को अंगूठे के इस जड़ में लगाएं और राइट को बंद करके लेफ्ट से पहले श्वास भरें। फिर इसको बंद करके दूसरे से बाहर, राइट से बाहर। राइट से भरें, और लेफ्ट से बाहर। यही विधि है, एक से श्वास भरना है, दूसरे से बाहर छोड़ना है। दूसरे से श्वास भरना है, पहले से एक से बाहर छोड़ना है। एक से भरना है, दो से बाहर छोड़ना, दो से भरना, एक से बाहर छोड़ना। यही क्रम लगातार आपका चलता रहेगा। 5 से 10 मिनट कम से कम आपको इस प्राणायाम का करना है, को करना है। यदि आपके पास कम समय भी है तो भी आप 5 मिनट तो कम से कम प्रतिदिन करें। सुबह 8 बजे से पहले करें, बहुत अच्छी बात। सुबह 6 से पहले करें तो उससे भी अच्छी बात। सुबह 5 से 6 करें, सबसे बढ़िया योग का एक अच्छा समय योग करने का ब्रह्म मुहूर्त और प्रातः काल की वेला होती है। फिर तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि आदि और भी आर्गोन आदि कई गैसें वायुमंडल में जब विलीन हो जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो हमारे को फिर रोग ठीक करने के लिए वह वायु बहुत उत्तम नहीं पाई जाती। इसीलिए आप सुबह सुबह करें। यदि आपको कुछ समस्या आती है, हमारी ऑनलाइन कक्षा में आप आए, ऑनलाइन कक्षा हमारी 5 बजे 7 बजे 8 बजे चलती है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आदि पर या स्वामी न्यूज से हमारा संपर्क सूत्र मिल जाएगा, आप उसको अटेंड करके 100% हमारी देखरेख में करेंगे। तो अगर आप गलत भी कर रहे होंगे तो हम आपको उसमें सुधार कर देंगे, कैसे आपको प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करें, और उसके अलावा सूर्य भेदी अभ्यास, क्योंकि चंद स्वर हमारा ज्यादा, क्योंकि हमारे अंदर कफ जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है तो वही हमारे सांस लेने में समस्या पैदा कर रहा है। तो हमें चंद्र स्वर की जो ठंडक है उसको हमें कम करना है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम से कम होगी। वो कैसे होगी? हमें राइट से भरना है सदा और लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। इसमें कुंभक तो हम लगा नहीं रहे क्योंकि अस्थमा के रोगियों को सांस रोकने वाला कुछ भी नहीं करना। तो क्या करना? हर बार राइट से भरना और लेफ्ट से बाहर छोड़ना। हर बार यही अभ्यास करना, अनुलोम विलोम कर लिए 5 से 10 मिनट, तो 5 से 10 मिनट सूर्य भेदी प्राणायाम को भी करना। कपाल भाती का अभ्यास करना, कफ दोष विशोषणी, कफ के रोगों को निवृत्त करती है। कैसे करना? इस मुद्रा में लगा लेना अपने, सूर्य मुद्रा में, ताकि कफ धीरे धीरे पिघलने लगेगा और धीरे धीरे निकल जाएगा पूरी तरह से शरीर।
थर्ड वाली उंगली को अंगूठे के रूट से लगाना, अधिक वजन होगा तो भी घट जाएगा, कपालभाति करना। सांस को नासिका के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक बाहर फेंकना है, मीडियम फोर्स मीडियम स्पीड, वन स्ट्रोक विद इन वन मिनट, वन स्ट्रोक विद इन वन सेकेंड, ये ध्यान रखना। ऐसे ऐसे एक सेकंड से बड़ी भी स्पीड हो तो भी कर सकते हैं, आपकी शक्ति सामर्थ्य देख लेना, अनइजी ना लगे, कंफर्टेबल लगना चाहिए। आप एक सेकंड से स्पीड बढ़ा भी सकते हैं अर्थात और घटा भी सकते हैं, दोनों कम और ज्यादा रिदम को इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे कपाल भांति का नियमित रूप से अभ्यास करें। एक उज्जायी प्राणायाम बड़ा उपयोगी प्राणायाम होता है अस्थमा में। उज्जायी में क्या करते हैं, गले को टाइट करके ऐसे खींचते हैं, ऐसे आवाज आती है, गले को टाइट करके खींचते हैं ऐसे, और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर थोड़ा सा एक दो श्वासें भर ली, रिलैक्स हो गए, फिर से करना है इसको, लंबा ना हो तो थोड़ा सा करना। प्रारंभ में इसको करते समय खांसी आएगी, इसका मतलब आप ठीक ठीक खींच रहे हैं, अंदर ही खींचना है, बाहर नहीं निकालना। बाहर निकालने को तो सिंहासन कहते हैं, ऐसे बाहर प्रेशर लगा के आवाज निकाल, और अंदर करना है तो आपको अंदर खींचना है ऐसे। खांसी आए तो घबराना नहीं, आप सही कर रहे हैं, इसका मतलब खांसी आती प्रारंभ में एक दो दिन चार दिन पांच दिन आती, ठीक है। चलिए इसको करते हैं फिर से लंबा, क्लोज द राइट देन एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अगेन प्रैक्टिस, वापिस से करते हैं इसको। ये उज्जायी जरूरी नहीं है आपको पहले दिन समझ में आ जाए, पहले दिन करने में आ जाए, लेकिन आप घबराना मत, इसको रोज प्रयास करना, अब हो जाएगा। बाकी अनुलोम विलोम सूर्य भेदी इनको तो आप कर सकते हैं, ये तो आपको पता लग गया, कपाल भाति ये तो सरल क्रियाएं, ये तो कर सकते हैं। उज्जायी भी धीरे धीरे आप रोज इस वीडियो को देखो करो, हमारी कक्षा में आकर के कर सकते हैं, स्वामी न्यूज पर डेली प्रोग्राम चलता है उसमें आके देखें। नियमित रूप से हम योग को करवा रहे हैं और कितने ही समय से, लंबे समय से हमारे इस कार्यक्रम को हम चला करके इसमें योग के भिन्न भिन्न क्रियाओं को बहुत विस्तार से, इसकी क्या सावधानी होती है बहुत कुछ बताते। अस्थमा के रोगियों को इन क्रियाओं के अलावा ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास भी करना चाहिए। हम अस्थमा पर ही विशेष कार्यक्रम पार्ट टू लेकर आएंगे, उसमें हम ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास आपको करवाएंगे। अब हम जानते हैं इसमें हम खाने पीने में क्या क्या बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारी अस्थमा की समस्या पूरी तरह से हल हो जाए। भोजन की बात यदि करें तो अस्थमा के रोगियों को भोजन कैसा करना चाहिए तो थोड़ा सा हमें जानते। सबसे पहला हमें उगली हुई जो सब्जियां हैं, जो बॉइल्ड सब्जियां हैं, उनका सूप पीना चाहिए, उसका सेवन प्रतिदिन करें। निश्चित रूप से हमारे शरीर में से कफ जो है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा, निकलता चला जाएगा, पिघलते पिघलते शरीर में से कफ पूरी तरह से बाहर निकल आएगा योग की क्रियाओं से और
हमारे उबली हुई सब्जियों का जो सूप हम बनाते हैं उससे। पहला पहला कार्यक्रम आपको यही करना है, उबली हुई सब्जियों का सूप लेना। ताजा और मीठा कोई फल, मौसम में जो ज्यादा से ज्यादा मौसमी फल है उनका सेवन हमें करना चाहिए। खिचड़ी का सेवन यदि हम करते हैं तो जिनको ब्रोंकाइटिस है, बड़ा पुरानी खांसी है उन लोगों को, और साथ में अस्थमा यानी दमा, जिस पर आज हमारा कार्यक्रम बेस्ड है, ऐसे लोगों के लिए खिचड़ी का सेवन बहुत ज्यादा लाभकारी देखा गया है। भोजन में यदि लहसुन और अदरक का प्रयोग करेंगे तो भी आपके लिए बहुत हितकारी होगा। बिना मलाई का दूध यदि हम लेते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी और सौंठ डाल करके रात को थोड़ा सेवन करें तो निश्चित रूप से आपके अस्थमा के लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहेगा। आधा लीटर पानी यदि हम लें और उसमें 15 से 20 लौंग डाल करके उस पानी को उबाले और आधा रह जाए, आधा रहने के बाद यदि हम उसको हल्के गर्म स्थिति में यानी गुनगुने स्थिति में ही रोज सेवन करें तो निश्चित रूप से हम सबके अस्थमा के रोग पर बहुत विशेष कार्य होगा, बहुत अच्छा वर्क होगा, आपका अस्थमा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा यदि ऐसे भोजन का आप सेवन करते हैं, ऐसे आहार पर ध्यान देते हैं। अब चलते हैं पथ्य आचरण पर। रात को आपको सोने के समय हमें भाप लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए आपको? भाप लेनी चाहिए, भाप यानी स्टीम। स्टीमर आपको कई कार्यक्रमों में मैंने दिखाया है तो स्टीम जरूर लेंगे, तो स्टीम रात को लेने के बाद ही सोना। उसमें दिव्य धारा डाल सकते हैं, दिव्य धारा मिल जाती है आसानी से आयुर्वेद के स्टोर्स पर, तो दिव्य धारा के 5-7 बूंदे डालकर स्टीम जरूर लें। स्टीम लेने के बाद आप सोएं, सोने से पहले स्टीम लेनी, पहला पहला। दूसरा, गर्म या गुनगुने पानी का आपको सेवन करना चाहिए, कभी ठंडी चीजों पर ठंडे पानी का सेवन ना करें। जब तक आपका अस्थमा ठीक नहीं हो जाता तब तक आप इन बातों का ध्यान रखें। छाती के बीच में रात को सोने से पहले तिल का तेल जरूर लगाएं, यह भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रदूषण, धुंध और धुएं से अपने आप को बचाएं, अपना बचाव करें, अपनी सुरक्षा करें। प्रदूषण के संपर्क में, धुंध और धुएं के संपर्क में ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए उसको हम देखते हैं। जो भी योग की आपको क्रियाएं बताई हैं इनको करने के समय कहीं पर भी आपको सांस को रोकना नहीं है। इस पहले पहले बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, सांस रोकनी नहीं, ना अंदर भर के रोकनी है, ना अंतः कुंभक करना है, ना बाहर छोड़कर रोकनी है, ना बाह्य कुंभक करना है। तो ऐसा कोई प्राणायाम नहीं करना जो सांस रोकने वाली क्रिया हो। दूसरा, ज्यादा नमी वाले प्रदेश में हमें नहीं रहना चाहिए, और जहां पर खुली हवा न आती हो ऐसी जगह पर भी नहीं रहना चाहिए। यदि आपके रहने की और काम करने की जगह में ऐसा है तो आपको उसको सुधार करके रखना चाहिए ताकि खुली ताजा हवा हमारे को मिलती रहे और ज्यादा नमी वाली स्थिति ना हो, ज्यादा मॉइस्चर वाला प्लेस नहीं होना चाहिए। प्रातःकाल आपको स्नान तो करना है लेकिन ठंडे पानी से स्नान नहीं करना, ठंडे पानी का सेवन भी नहीं करना, ना ही फ्रिज में रखे हुए पदार्थों का आपको सेवन करना है। तला हुआ, खटाई और तेज मसालेदार भोजन को ना करें, और मैदे से बनी हुई चीजों को या उससे बने हुए भोजन को या फास्ट फूड, जंक फूड आदि को थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे। भोजन में आपको दही, मूली, केला और चावल ये बिल्कुल नहीं लेने, और धूम्रपान तो बिल्कुल नहीं करना। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग से और ड्रिंकिंग से यानी मदिरापान से बचना है। ये आपको अपथ्य आचरण, यदि इन इन पर आपने पथ्य और अपथ्य पर भी आपने ध्यान दे दिया तो अस्थमा ज्यादा समय का नहीं है, 2 से 3 महीने आप पूरी चीजों को ऊपर से नीचे जो आज हमने बताई सारी फॉलो करिए, निश्चित रूप से अस्थमा पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। क्योर बहुत बड़ा शब्द है, क्योर का मतलब वास्तव में क्योर होता है, क्योर का मतलब ठीक होना, पूरी तरह से ठीक होना, अस्थमा फ्री हो जाएंगे आप पूरी तरह से। तो आज के सत्र में हम इतना ही रखते हैं, तो आइए हम स्टूडियो में देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अस्थमा के बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अस्थमा के रोग को हम छोटी छोटी चीजों से, अब जान गए इस कार्यक्रम के बाद, तो छोटी छोटी चीजों को ठीक करके हम अस्थमा के रोग को सदा के लिए बाय बाय कर सकते हैं, सदा के लिए हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। हमारा पंप छूट जाएगा यदि हम नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे, जैसा अभी योगाचार्य जी ने बताया भी कि हमें जिनमें सांस अंदर रोकने या बाहर रोकने वाली क्रियाएं हैं उनको बिल्कुल नहीं करना। क्या खाना क्या नहीं खाना, इस पूरे कार्यक्रम को आप 1 बार 2 बार 3 बार अस्थमा के रोग विशेष करके देखिए, आपका पंप छूट जाएगा जो स्प्रे आप लेते हैं। उसके अलावा रोज डेली 40 से 45 मिनट आपको योग करना। यदि आप इस तरह से हमारे कार्यक्रम में जो बताई हुई चीजें इनका पालन ठीक प्रकार से आप करेंगे तो
अस्थमा से पूरी तरह से मुक्त होने में आपको 1 से 2 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं समय लगेगा, चाहे कितने ही सालों से क्यों ना ये इस बीमारी से आप जूझ रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के लिंक को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, बहुत सारे लोगों तक भेजें, ताकि और भी लोग इस कार्यक्रम का आरोग्य लाभ उठा पाए। आज इतना ही। सबको धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।